तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप लोग कम से कम व्यूज में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब पर। और रियली दोस्तों एक चीज बताऊ ना, तो मेरे पास इतना भी हैसियत नहीं था कि आज के टाइम पर मैं वन प्लस और आईफोन का मोबाइल यूज कर पाऊँ। लेकिन कैसे गाइस कहीं ना कहीं हो कि यूट्यूब मुझे इतना ज्यादा तो सपोर्ट कर ही देता है कि मेरा जरूरत और थोड़ा बहुत शौक भी पूरा हो जाता है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को ऐसा बताऊंगा गाइस, यूट्यूब पर ऐसा भी कैटेगरी है जो कि गाइस आप 100 व्यूज पर 10,000 महीने के कमा सकते हो, या फिर ऐसा भी कैटेगरी है कि आप 100 व्यूज पर महीने का 1,00,000 भी कमा सकते हो। मतलब ये मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको, ये सच्ची नहीं है कि 100 व्यूज पे ही आपको 10,000 मिल जाएंगे, बट हां मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं कि देखो आप एक चीज जानते हो कि किसी ब्लॉगर से पूछ लेना, अगर मेरे ही इतने सब्सक्राइबर्स हैं किसी के पास, तो उस ब्लॉगर से पूछ लेना कि भाई आप कितना कमाते हो मंथली, तो उस ब्लॉगर का मुंह से एक ही जवाब निकलेगा कि भाई ब्लॉग चैनल में तो पैसा है ही नहीं। तो क्या है वो रियलिटी आज का इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही गाइस ये भी आप लोग को बताऊंगा कि आपको किस कैटेगरी पे जाना चाहिए जहां की गाइस नाम इज्जत तो मिलेगा ही वो अलग लेवल पर, लेकिन गाइस आपको पैसा भी बहुत मिलेगा। और देखो गाइस आप लोग मानो या ना मानो, आप लोग कितना भी झूठ बोल लो कि मैं नाम की वजह से आया हूं प्लेटफॉर्म पर, मेरा पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन गाइस हर एक बंदा हर एक क्रिएटर पैसे के पीछे कहीं ना कहीं आता ही है यूट्यूब पर। और सोशल मीडिया नेटवर्क ही ऐसा है जहां की गाइस पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको कमाने का तरीका भी आना चाहिए। अब अगर आप कोई ब्लॉग कैटेगरी खोल लोगे तो भाई पैसा नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ आपको थोड़ा बहुत फेस वैल्यू वायरल होगा और पैसा देखो अब आप पकड़ोगे कि सौरभ जोशी को क्या पैसा नहीं मिलता, तो भाई देखो मिलता है, उतना बड़ा बनने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कम से कम व्यूज भी आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका पर डे 100 व्यूज भी आ रहा तो आप मंथली एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोग को ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके कारण कि गाइस अगर आपका मंथली हर एक वीडियो पर 100-100 व्यूज भी आता है तो गाइस आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। डॉलर एक तरफ, स्पॉन्सरशिप एक तरफ, लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कम से कम व्यूज पर भी ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलेगा, तब किस कैटेगरी को चूज करोगे, साथ ही गाइस डॉलर तो अलग ही लेवल पर बनेंगे वो भी बताऊंगा, तो दोनों जो आपको पसंद आए वो आप लोग करना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का हम लोग विनर को देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग विनर देख लेते हैं, पिछला वीडियो का डेयर किसने कंप्लीट किया है। तो यहां पर हम लोग न्यूएस्ट में चल जाते हैं, एंड पिछला वीडियो मैंने बताया था गाइज कि बताओ मेरे रिसेंट में अभी अपडेट किया चैनल पर कितने वीडियो अपलोड है, तो देखते हैं किसने बताया सच में। हाय हेल्पिंग भाई करते हैं, हेलो भाई साहब, देख सकते हो आज का भी विनर MM राय ही बन चुका है, 547 वीडियो है आपका। तो जाइए दोस्तों भाई का चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भाई जो भी बंदा फर्स्ट कमेंट करके डेयर का आंसर दे देता है वो बंदा का चैनल फ्री में प्रमोशन हो जाता है हमारे आने वाले अगले वीडियो पर। तो गाइज आप भी करा सकते हो, बस डेयर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो चलिए गाइज आज का भी डेयर हम लोग रख ही लेते हैं। तो फाइनली आज का डेयर मैं आप लोग को बहुत ही मस्त दूंगा, आप लोग को चले जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर गाइज आप लोग को मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग क्लिक करके जाइए एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और भाई आप लोग को आज का डेयर में बताना है कि मेरा अभी प्रेजेंट में कितने पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पर, आप लोग को पोस्ट देख करके और कमेंट करना है, तो फटाफट आप लोग जा सकते हैं एंड कमेंट कर दीजिएगा कितना पोस्ट है। जिसने भी फर्स्ट कमेंट कर दिया उनका चैनल नेक्स्ट वीडियो में प्रमोशन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे गाइस आप लोग कम से कम व्यूज पर ज्यादा से ज्यादा ऐसा कमा सकते हो यूट्यूब पर। तो देखो भाई लोग यूट्यूब पर बहुत कैटेगरी है, डांसिंग, सिंगिंग, टेक, अनबॉक्सिंग, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, सब यार एक ही कैटेगरी में घुसा दिए अभी तो अलग बात है, लेकिन ऐसा आप लोग को डांसिंग, कॉमेडी, सिंगिंग, रोस्टिंग, बहुत से ऐसे कैटेगरी मिलेंगे। पॉडकास्ट अभी एक नया कैटेगरी आ चुका है, पॉडकास्ट अभी बहुत बंदे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो खैर आप लोग को बहुत से ऐसे कैटेगरी मिलेंगे। आखिर आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता होगा कि हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखो अभी यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा पैसा ठोक रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी छोटे छोटे भाई लोग हैं जिनका 100-200 व्यूज आता है, बेचारे वो लोग पैसे कमा नहीं पाते यूट्यूब से, और उन लोगों बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि आखिर पैसा कैसे कमाए हम लोग यूट्यूब में। तो
वही मैं आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनना। तो देखो भाई, अगर आप लोग एक ब्लॉग का कैटेगरी को चुनते हो यूट्यूब पर, तो देखो यहाँ पर आपका फेस वैल्यू बहुत ही ज्यादा वायरल होता है, बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलता है यहाँ पर। लेकिन भाई ब्लॉग चैनल का आप लोग जानते ही हो कि आरपीएम कितना ज्यादा रहता है भाई, बहुत ही कम पैसा मिलता है ब्लॉग चैनल पर। दूसरा नंबर कॉमेडी पर, गेमिंग पर, ये सब में भाई बहुत ही ज्यादा कम पैसे मिलते हैं। पॉडकास्ट पर भाई, मनोज भाई ने पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है, कितना डॉलर बन रहा कितना नहीं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं और मालूम भी चल रहा था भाई, बहुत ही ज्यादा कम पैसा मिलता है पॉडकास्ट ये सब चैनल पे, इंटरव्यू वगैरह में जितना भी है, तो ये सब में भाई बहुत ही कम पैसा मिलता है। तो आखिर अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो किधर से आप लोग कमा सकते हो? तो देखो गाइस, फर्स्ट चैनल है अर्निंग चैनल। अगर आप लोग अर्निंग कैटेगरी चैनल बनाते हो यूट्यूब पर, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाओगे। फर्स्ट नंबर, भले आपके 100 व्यूज आए या 200 व्यूज आए, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा कमाओगे। फर्स्ट नंबर अर्निंग चैनल। सेकंड नंबर आ गया गाइस यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी हम लोग टेक कैटेगरी के बंदे हैं, क्योंकि हम लोग के पास स्पॉन्सरशिप बहुत ही ज्यादा आते हैं और एक एक स्पॉन्सरशिप अच्छे खासे पे करते हैं। अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। एंड भाई थर्ड नंबर और क्या ही बताऊं। देखो गेमिंग चैनल पे भले आरपीएम कम मिलता है, लेकिन अगर वैसा आपका अच्छा खासा गेमिंग चैनल है तो आप सुपर चैट बहुत ही ज्यादा कमा सकते हो। खैर गेमिंग चैनल को आज का वीडियो में नहीं लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप लोग 100-200 व्यूज पे भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो भाई वो है दो ही चैनल, एक तो है भाई आपका अर्निंग चैनल, दूसरा आपका टैग चैनल। अगर आप लोग टैग कैटेगरी में करते हो तो यहाँ पर आपका नाम इज्जत तो बहुत ही ज्यादा बनता है। जैसे कि आप लोग हालांकि मनोज भाई को ले सकते हो, वो भी यूट्यूब टिप्स रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं, आज के डेट पर उनका नाम भी बहुत ज्यादा है एंड दोस्तों वो पैसा भी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। उनका एक एक स्पॉन्सरशिप मैं तो बता नहीं सकता कितना लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा पैसा एक एक स्पॉन्सरशिप का चार्ज है। तो वही मैं आप लोग को आज का वीडियो से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग टेक कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपका नाम भी है, इज्जत भी है और आपका पैसा भी है। लेकिन अर्निंग कैटेगरी पर अगर आप लोग जाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर नाम वगैरह कम, आपका फेस वैल्यू वायरल होता है, लेकिन हाँ अर्निंग कैटेगरी पर इतना पैसा है जितना टैग कैटेगरी पर नहीं है। अगर वहाँ पर आपका 100 व्यूज भी बन जाता है तो आपके उसमें सिर्फ डॉलर अच्छे खासे बन जाते हैं, बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। अगर 1000 व्यूज आ जाता है तो उसमें लगभग आपके 2-3 डॉलर बनने के चांस हो जाते हैं अर्निंग कैटेगरी पर, ठीक है। तो अगर आप लोग यूट्यूब टिप्स वगैरह कैटेगरी खोलना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग ऑलरेडी काम करते हो तो आपको 100 व्यूज पे लगभग 200-500 तक भी स्पॉन्सरशिप का चार्ज कर सकते हो, अगर आप लोग टैग टिप्स रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपका अर्निंग कैटेगरी चैनल है तो आप लोग 100-200 व्यूज पर आप लोग 1000 रुपया से ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो या फिर 1000 रुपया तक आराम से दे देगा, क्योंकि आपका कैटेगरी ही अर्निंग है। और भाई एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है एंड आपको नाम इज्जत से उतना फर्क नहीं पड़ता तो भाई आप अर्निंग कैटेगरी पर जा सकते हो। अर्निंग कैटेगरी पर देखो ऐसा नहीं है कि आपको इज्जत नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा, हालांकि यूट्यूबर को इज्जत मिलता ही है, ठीक है। लेकिन हाँ वहां पर थोड़ा सा आपको फेस वैल्यू से कम लोग पहचानते हैं एंड आपका अर्निंग को देखने ज्यादा आते हैं। यूट्यूब टिप्स वाले का क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग फेस से एक एक चीज को समझाते हैं, लोगों का हम लोग जरूरत बन चुके हैं, तो भाई इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा फेस वैल्यू इसमें बनता है एंड आप लोग हालांकि देख ही सकते हो भाई कितने लोगों का यहां पर बना है। तो भाई इसीलिए अगर टैग कैटेगरी करते हो, अर्निंग कैटेगरी करते हो तो यहाँ से आप लोग यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बाकी गाइस अगर ब्लॉग वगैरह करते हो तो भाई यहाँ से भी आप लोग पैसा कमा सकते हो, लेकिन हाँ पैसे से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग नाम भी कमा लोगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सौरभ जोशी देखो ब्लॉग कर रहा है इतना कमा रहा, तो देखो भाई सौरभ जोशी बनने के लिए देर लगेंगे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि कम व्यूज़ पे कैसे ज़्यादा कमाएं। तो भाई कम व्यूज़ पर अगर ज़्यादा आप लोग को कमाना है तो दो कैटेगरी पर आना पड़ेगा, एक तो यूट्यूब टिप्स वगैरह जो हम लोग बताते हैं एंड दूसरा सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है वो है अर्निंग चैनल वाले पे। उन लोग का डॉलर भी बहुत ज़्यादा बनता है एंड उन लोग का एक एक स्पॉन्सरशिप का भी बहुत चार्ज होता है, जो कि गाइज आप लोग 100 व्यूज से भी आप लोग अर्निंग अपना स्टार्ट कर सकते हो एंड स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा धमाकेदार वीडियो टॉपिक सोच करके लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।